आपसे फिर मैसेज के साथ करता हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूब बेल सीखने। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल पे ये देख सकते हैं कि आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर किस वीडियो से आए हैं, या फिर आपके जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वो किस मतलब टेक वीडियो से आए हैं, या फिर अनबॉक्सिंग से आए हैं, या फिर रिव्यू से आए हैं, या फिर किसी और चीज़ से आए हैं, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू। जैसा कि इस वीडियो है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो सब्सक्राइबर हो आप जान सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो किस वीडियो से आए हैं, वो भी आप अपने यूट्यूब से ही जान सकते हैं। बस आपको मेरा स्टूडियो होता है उसमें जाना है, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जिसको आप मेरे वीडियो के साथ फॉलो करते जाइएगा तो आपको जो भी चैनल के आपके जितने टोटल सब्सक्राइबर होंगे या फिर आप मतलब उसमें पूरे सब्सक्राइबर देख पाएंगे कि आपके जो सबसे ज़्यादा वीडियो से कौन से सारे वीडियो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़े हैं, और कौन से वीडियो से माइनस तो नहीं दिखाता है बट ये भी दिखाता है कि अर्निंग सबसे ज़्यादा किस वीडियो से हुई है। तो इसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपके चैनल पर जो भी सब्सक्राइबर हैं सबसे ज़्यादा किस मतलब वीडियो से जुड़े हैं। मतलब जैसे कि कई तरीके की वीडियो आप बनाते हैं तो उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो मतलब कैसी वीडियो आपसे चाहते हैं। अगर आप वो जाके देख लेंगे कि आपके जो वीडियोज़ हैं उन पे जो सब्सक्राइबर हैं वो कितने आए हैं या किस जगह से आए हैं, तो आप ये पता कर पाएंगे कि आपको अपने YouTube चैनल पे कैसी वीडियोस डालनी चाहिए जिससे कि आपका चैनल ग्रो होगा तेज़ी से। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं क्रिएटर स्टूडियो में चला आया हूँ और यहाँ पे मैं एनालाइजिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको भी एनालाइजिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप उसके कुछ देर बाद देखेंगे कि आपके पास कई सारे मतलब ऑप्शन आ जाते हैं सब्सक्राइब का, वॉच टाइम का और व्यूज़ का। ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सर्चिंग में प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो उसके बाद आपको सब्सक्राइबर पे जो है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि अब ये खुल रहा है तो वहाँ पे आपको देखिए जैसे मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है। और अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे सब्सक्राइब इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो मैप होता है इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दो बार आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मतलब मेरे जो भी वो हैं यहाँ पे सारे के सारे। तो पहले देखिए व्यूज़, फिर वॉच टाइम, फिर सब्सक्राइबर, फिर मतलब क्लिक पेज भी दिखाता है, अर्निंग भी दिखाता है और बहुत सी चीज़ें। और ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखा रहा है कि ये टोटल 28 डेज़ का है। तो 28 डेज में मेरे जो 50 समथिंग सब्सक्राइबर बढ़े हैं और जो भी है मतलब व्यूज़ कितने आए हैं वो सारे के सारे ये 28 दिन का है। तो आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको अपना जो डेटा है उसको करने ला है लाइफ टाइम में। तो जैसे कि मैंने लाइफ टाइम में जब सेट किया तो आप देखेंगे कि इस जगह पे जितने भी आप देख पाएंगे कि मेरे जो पूरा लाइफ टाइम में जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी वॉच टाइम है और जितना भी मेरे व्यूज़ है वो सारे के सारे दिखाने लगता है। साथ में अर्निंग भी दिखा रहा है मेरी जो कि 19 पॉइंट कुछ डॉलर हुई है, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो तब मेरे पे ऐड आती थी बट अब नहीं आती है। मेरे चैनल पे भी मोनेटाइजेशन डिसेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल सब्सक्राइबर वो दिखाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी वीडियोस मैक्सिमम उतनी वीडियोस दी गई हैं जिनके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले कुछ फ़नी वीडियो है जिसके मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद मॉडलर किचन टाइप की कोई वीडियो है। मतलब इस तरह की जो इतने भी वीडियो आपके पास हों जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हों उनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसी टॉपिक को ढूंढ के आप वीडियोस बनाइए जिससे कि आपका जो भी व्यूवर्स होगा उसको आपका चैनल अच्छा लगेगा क्योंकि उसने उसी के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब किया। मतलब उस बंदे ने उसी वीडियो को देख के आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आपके चैनल को अगर आप वैसी वीडियो डालेंगे तो आपका जो भी सब्सक्राइबर होंगे वो आपकी वीडियो देखेंगे। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जैसे कि मेरे में देख रहे होंगे एक फ़नी वीडियो है जिसपे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है। मैं बता दूं पहले मैं इसको लेके कुछ भी सीरियस नहीं था, तब मैंने ये वीडियो डाल दी थी ऐसे ही, बस कोई काम नहीं था उसके लिए डाल दी थी। तो वो थोड़े सा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यही थी पूरी जानकारी इस वीडियो के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।